बी इन युअर लिमिट्स रत्नाकर. तू कोणाशी बोलतेस याची कल्पना आहे तुला? हिंदी और मराठी सिनेमा की जबरदस्त अभिनेत्री, नाम रीमा लागू. बात थोड़ी आगे बढ़ने दीजिए, सब बता दूंगी. हालांकि जन्म के समय इनका नाम था नयन भड़बड़े. इनका जन्म हुआ था 21 जून सन 1958 में. इनकी माँ मंदाकिनी भड़बड़े खुद एक बड़ी अच्छी अभिनेत्री थी और मराठी स्टेज पर इनका बड़ा नाम था. बचपन से ही नयन थिएटर के प्रति आकर्षित थी. अब तो मुझे ही कुछ करना होगा. ये हुजूर पागा हाई स्कूल पुणे में पढ़ती थी. ये बात कम लोग जानते हैं कि रीमा लागू ने एक बैंक में भी काम किया था. तकरीबन 10 बरस ये बैंक से जुड़ी रहीं और इंटर बैंक कल्चरल इवेंट्स में काफी हिस्सा लिया करती थीं. ये टीवी और फिल्म्स में भी आती रहीं और बैंक का काम भी चलता रहा. तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे गौतम को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफ्तार करना पड़ा. थिएटर के दिनों में ही इनकी मुलाकात हुई विवेक लागू से. साल था सन 76 और सन 78 में इन दोनों की शादी हो गई. ये बात दुख की रही कि 3 बरस से शादी चली और उसके बाद वो शादी टूट गई. इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मनोरमाई. छिपकली सी छोरी, माँ की आंखों में धूल झोंकती है. अपने पेट से पैदा किया है तुझे और तेरे पेट के हर मरोड़ को पहचानती हूँ मैं. लेकिन ये बात भी हैरान करेगी कि सिंगल मदर होने के बावजूद बहुत बरसों के बाद ये अपने पूर्व पति विवेक लागू से मिली और एक नाटक बनाया. नाटक का नाम रहा दूसरा सिलसिला. तलाक के बाद विवेक लागू ने भी दूसरी शादी नहीं की और रीमा लागू ने भी. हाय राम, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? रीमा लागू उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से थीं जो फिल्मों में भी बेहतरीन काम करती थीं और टीवी पर भी. कॉमेडी करा लो या फिर इमोशनल सीन्स. हे भगवान, मैं अपना सर पटक पटक कर गई थी तेरी चौखट पे कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करा दे, मगर तुमने मेरी एक न सुनी, भिजवा दिया झूठा तार. अब फिर वो नासपिता लड़का मेरी नासमझ बेटी के पीछे पड़ गया है. उसने मेरी बेटी की मती मार दी है. तू उसे लूला लंगड़ा अपाहिज कुछ भी बना दे, मैं सवा सिर लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी. इन्हें वी शांताराम अवार्ड से भी नवाजा गया था. मैंने प्यार किया, कल हो ना हो, इन फिल्मों में रीमा लागू का अभिनय कौन भूल सकता है. मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं. आप ही के लाड़ प्यार ने राज को बिगाड़ रखा है. ऐसा लगता था कि जैसे अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय सिल्वर स्क्रीन पर माँ बेटे की जोड़ी में अच्छे लगते थे, वैसे ही रीमा लागू और सलमान खान. एक बात तुम कभी मत भूलना बेटे, तुम्हारी माँ को अपने हक से ज्यादा अपने पति की इज्जत कहीं ज्यादा प्यारी है. दरअसल सही टर्निंग पॉइंट तब आया जब रीमा लागू ने सन 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की माँ का किरदार निभाया. फिर तो मैंने प्यार किया, साजन, गुमराह, जय किशन, रंगीला, हर जगह रीमा लागू ही रीमा लागू नजर आ रही थीं. तुझे जो भी मांगना है अपने कपूत के लिए मांग ले, लेकिन मेरी पूजा में क्यों विघ्न डाल रही है? अरे पिंड तो मेरी बेटी का छूटेगा तेरे घर के भूत से. अब देखना कितने बड़े घराने में ब्याह रचाऊंगी अपनी बेटी का. रीमा लागू दरअसल कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम करना चाहती थी पर वो सपना इनका पूरा नहीं हुआ. शुक्र है भगवान का, बात घर के घर में तो रह गई. और 18 मई सन 2017 वो दिन बनकर आया जब अचानक रीमा लागू की मौत हो गई. इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. ऐसा लगा कि सिर्फ इन्हें एसिडिटी हुई है पर वो एक दिल का दौरा था और डॉक्टर इन्हें बचा ना पाए. यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में रीमा लागू का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा. महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History.